आज हम हिंदी कहानी के स्वरूप और परिभाषा का अध्ययन करेंगे। जब से मनुष्य ने अपनी भावनाओं, संवेदनाओं तथा संवेगों को अभिव्यक्त करने की क्षमता पाई है, तभी से वे कहानी सुनता आया है। कहानी कहना, सुनना मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता रही है तथा इसके माध्यम से उसने अपनी सामाजिकता का विकास भी किया है, क्योंकि कहानी ने यदि उसका मनोरंजन किया है तो उसे जीवनोपयोगी उपदेश भी दिया है। प्राचीन काल में कहानी वाचिक परंपरा से आगे बढ़ती रही, अर्थात यह बोलने और सुनने की एक विधा के रूप में प्रचलित थी। किंतु जब हम कहानी के आधुनिक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी घटनाओं का संयोजन मात्र ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन की जटिलताएं, विद्रूपताएं तथा जो उसके अंतर विरोध हैं उनको व्यक्त करने का एक सशक्त साहित्यिक रूप है। इसलिए आज भी कहानी हिंदी गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय विधा बनी हुई है। हिंदी कहानी जिस स्वरूप में आज हमारे सामने है, वे निश्चय ही पश्चिम की शॉर्ट स्टोरी के अनुसरण पर विकसित हुई है। प्राचीन साहित्य में हमें कथा या कहानी के अनेक रूप मिलते हैं, जिन्हें कथा, आख्यायिका, गाथा आदि नामों से जाना जाता था। किंतु वर्तमान कहानी उसका पर्याय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप, उस रचना विधान तथा प्रक्रिया में प्राचीनतम कथा स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। अतः आधुनिक कहानी को उससे अलग करके ही समझा जा सकता है। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए बंगला में एक और नाम प्रचलित है, या बंगला में इसे गल्प नाम से संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हिंदी कहानी बंगला के माध्यम से अंग्रेजी से आई है, अर्थात पहले अंग्रेजी से वो बंगला में अनुदित हुई और बंगला में कहानियां लिखी जाने लगी, और बंगला से फिर हिंदी में अनुदित होने लगी, और फिर हिंदी की कहानी का एक स्वरूप जो है सामने आने लगा। कहानी का आधुनिक स्वरूप मानव जीवन का विश्लेषण करता है। कहानी का स्वरूप समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना होगा। कहानी का स्वरूप सबसे पहले पाश्चात्य देशों में विकसित हुआ और उसके बाद भारत में। यही कारण है कि कहानी विषयक पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताएं और परिभाषाएं विशेष महत्व रखती है। हिंदी विद्वानों ने कहानी की जो परिभाषाएं दी है, वे एक अंश में पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं से प्रभावित भले ही ना हो, किंतु प्रेरित अवश्य है। यहाँ कहानी के स्वरूप को समझने के लिए पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही विद्वानों की परिभाषाएं देना आवश्यक है, ताकि कहानी के स्वरूप का सही सही विश्लेषण करते हुए कहानी की वस्तु स्थिति से अवगत हुआ जा सके। पाश्चात्य विद्वानों में हर्सन, वेल्स, पोल, अपहम, एलन पो, एलरी और चेखव की परिभाषाएं महत्व रखती है।
इनकी परिभाषाएं इस प्रकार है। हर्षन ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है, लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव होता है, उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहानी के आकार के संबंध में भी एक अन्य स्थल पर ये निर्णय दिया है कि छोटी कहानी आकार में केवल इतनी ही बड़ी होनी चाहिए कि वे सरलता से एक बैठक में समाप्त हो जाए। सर ह्यूम पोल ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कहानी में घटनाओं का विवरण इस प्रकार चित्रित किया जाना चाहिए कि एक आशातीत विकास दिखाई पड़े, इस विकास की प्रेरिका सक्रियता होनी चाहिए, ये विकास इस प्रकार दिखाया जाना चाहिए कि वे हमारी जिज्ञासा वृत्ति को स्थिर रखते हुए चरम बिंदु का स्पर्श कर एक संतोषजनक समाप्ति तक पहुंच जाए। एलन पो कहानी की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, कहानी किसी नाटकीय घटनाक्रम का, चरित्र के किसी पहलू का, अनुभव के अंश का या किसी भौतिक समस्या का वर्णन करती है। एलरी साहब ने कहानी की परिभाषा देते हुए उसकी सक्रियता पर अधिक बल दिया है। उन्होंने जो लिखा है वे इस प्रकार है, वह एक घुड़दौड़ है जिसका आदि और अंत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार कहानी का आदि और अंत ही विशेष महत्व का होता है। चेखव ने कहानी के वर्ण विषय पर दृष्टि रखी है। उनके अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार है, कहानी में साधारण से साधारण बातों का वर्णन हो सकता है। हिंदी विद्वानों ने भी अलग अलग ढंग से कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रेमचंद कहानी की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं। इसके साथ ही अनुभूतियों की रचनाशीलता और मनोवैज्ञानिक तथ्य कहानी की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रसाद कहानी के सौंदर्य की हल्की सी झलक, ऐसी झलक जो पाठ की चेतना पर स्थायी रूप से प्रभाव जमा ले को महत्व देते हैं। वहीं इलाचंद्र जोशी का मानना है कि जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष से उल्टा सीधा चलता रहता है। इस सुवृहत चक्र की किसी किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदर्शित करने में ही हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषता निहित रहती है। यदि उपयुक्त सभी मतों की समीक्षा की जाए तो ये स्पष्ट है कि इन परिभाषाओं में कोई भी अकेली परिभाषा कहानी के संपूर्ण स्वरूप को स्पष्ट करने में असमर्थ है अथवा प्रत्येक परिभाषा कहानी के किसी एक ही पक्ष को महत्व देती है। किसी ने उसके आकार को महत्व दिया है, किसी ने उसकी वैधानिक विचारणा की प्रस्तुति के लिए कहानी के रूप विधान पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। उपयुक्त समस्त विशेषताओं के आधार पर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है कि
मेरी दृष्टि में कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघ्वाकार गद्यात्मक विधा है जिसमें कलाकार जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर एक निश्चित कलावधि का अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना और प्रभावान्विति का सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रसित करने में समर्थ होती है। आकार की लघुता कहानी की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है। संवेदना की एकता का कहानी के स्वरूप विवेचन में विशेष महत्व है और ये अकारण नहीं है। इसका कारण यह है कि कहानी का वर्ण्य विषय जीवन या जगत की कोई एक घटना, एक विचार, एक भावना या एक परिस्थिति होती है। अतः इन सब की अभिव्यक्ति के लिए संवेदना की केंद्रीयता का होना आवश्यक है। यदि कहानी में संवेदना की एकता नहीं होगी तो वह न केवल शिथिल हो जाएगी अपितु उसका प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। कहानी कोई भी हो उसमें आधार भूमि के रूप में किसी न किसी सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है अथवा किसी अनुभूति, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति, किसी प्रश्न या किसी संवेदना को प्रस्तुत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आकार की लघुता, संवेदना की एकता, प्रभावान्विति, जीवन के किसी सत्य की प्रतिष्ठा, आकर्षण क्षमता, रोचकता, सक्रियता के साथ साथ गतिशीलता और निरंतरता कहानी के विधान और सृजन के लिए आवश्यक तत्व हैं।